संडे की गुड मॉर्निंग। देखिए तो ये मीडियन जो है वो मीडियन सेंट्रल टेंडेंसी का एक तीसरा कंडीशन है, केंद्रीय प्रवृत्ति जिसे बोलते हैं। और इसमें ये मीडियन जो है जिसे शुद्ध हिंदी में माध्यिका बोलते हैं, और इस मीडियन को आप लोगों ने या यहाँ टेंथ क्लास के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ये मीडियन जब अनग्रुप्ड कंडीशन में आएगा तब कैसे आएगा, और जब ग्रुप्ड कंडीशन में आएगा तब कैसे आएगा। तो पहले हम लोग देखते हैं मीडियन को बनाने के लिए अनग्रुप्ड कंडीशन, थोड़ा सा इसे अब छोटा कर लेते हैं। चलो भाई इधर आ जाओ। तो ये जो मीडियन है, अब हम लोग आ जाते हैं मीडियन के बारे में। दो कंडीशन हम लोगों को एक अनग्रुप्ड डाटा और दूसरा ग्रुप्ड डाटा। ऐसा नहीं है कि टेंथ क्लास में अनग्रुप्ड डाटा कंडीशन में क्वेश्चन नहीं आता है, तो ये नाइन्थ क्लास के लिए, लेकिन टेंथ में भी कभी कभी पूछ देता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो अनग्रुप्ड डाटा में क्या होता है कि जो नंबर्स दिए रहते हैं एन, अगर वो ऑड कंडीशन में होता है, ऑड कंडीशन में, ऑड नंबर, तो उसके लिए आपको मीडियन के लिए, मीडियन निकालने के लिए एक फार्मूला लेकर के चलना पड़ता है। क्या लेकर चलते हैं? एन प्लस वन बाई टू नंबर का ऑब्जर्वेशन। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग एग्जाम्पल ले इसका, सपोज दैट फाइव फोर जीरो टू, फिर मान लीजिए फोर है, ऐसा कुछ है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, और एक कुछ और बढ़ा देते हैं, मान लीजिए ऐसा है। ये एक अनग्रुप्ड डाटा माना जाता है, ठीक है। और इस अनग्रुप्ड डाटा को जो दिया गया है, तो इसके एन क्या है, ऑड नंबर में है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, जाहिर सी बात है ये ऑड नंबर कंडीशन है। चूंकि यहां एन ऑड है तो इसके मीडियन को निकालने के लिए ये ऑब्जर्वेशन करना है, लेकिन इसके पहले भी एक काम है। वो पहले काम ये है कि या तो इन सारे दिए हुए डिजिट्स को आप एसेंडिंग ऑर्डर में रख लें या डिसेंडिंग ऑर्डर में रख लें, छोटे से बड़े की ओर या बड़े से छोटे की ओर। तो पहले आपको ये चीज सेट करना पड़ेगा, यानी कि ये बात लिखने से पहले आपको यहां ये जानना होगा कि एसेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको सेट कर लेना है। तो जैसे अगर सबसे पहले हम लोग इसे असेंडिंग ऑर्डर में अगर सेट करें, तो कैसे सेट होगा भाई? पहले जीरो, फिर वन, फिर टू, फिर थ्री, फोर दो टाइम्स है, दो बार फोर है, फिर तब फाइव है, उसके बाद सिक्स है, और तब सेवन है। ये तो असेंडिंग ऑर्डर में सेट हो गया, छोटे से बड़े की ओर। और तब जाके कहीं देखते हैं कि मीडियन की बारी कैसे आएगी। तो भाई एन प्लस वन बाई टू, एन प्लस वन बाई टू नंबर का टर्म, तो एन के जगह पर कितने थे टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन में? आपने देखा कि एन के जगह पर नाइन आ रहे थे, नाइन थे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, यस।
तो नाइन थे, तो एन के जगह पर नाइन प्लस वन बाई टू यानी कि टेन बाई, तो फाइव नंबर का ऑब्जर्वेशन, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। कौन है फाइव नंबर पे भाई? एक दो तीन चार, फाइव नंबर पे ये फोर आ रहा है, तो मेरे लिए मीडियन का काम कौन करेगा? फोर, यानी कि आंसर कौन हो गया? ये कब के कंडीशन के लिए था? जबकि वो अनग्रुप्ड डाटा में भी एन जो है ऑड नंबर पे दिया हुआ है, तो जब ऑड नंबर पे दिया हुआ है तो मीडियन निकालने के लिए ये फार्मूला काम आएगा, या फार्मूला का ये फॉर्मेट काम आएगा, जिसमें लिखा रहेगा एन प्लस वन नंबर का ऑब्जर्वेशन, बशर्ते आप दिए हुए जितने भी डाटा के डिजिट हैं उसे आप या तो एसेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर लें, और तब उसके बाद मीडियन निकालेंगे इस फार्मूला से। एन के जगह मैंने नाइन पुट किया क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? नाइन, नाइन और वन टेन, टेन का हाफ क्या हो गया? तो फाइव नंबर में जो सेट किया वो कौन सा था? फोर, फोर आंसर है। तो ये बात हो गई किसकी? तो जब एन ऑड था तब की। अब देखना है एन अगर इवन है तब कैसे होगा। इफ एन इवेन है, जोड़ा संख्या इवेन नंबर, तब उसको कैसे बनाया जाएगा ये देखा जाएगा। तो मीडियन निकालने के लिए फार्मूला ये न लेकर के ऐसे लिया जाएगा, एन बाई टू नंबर का ऑब्जर्वेशन प्लस एन प्लस वन नहीं, एन बाई टू प्लस वन नंबर के ऑब्जर्वेशन, और तब उसका जो है कि टू से डिवाइड कर दिया जाए। इतना सारा वर्क करना होगा। तो अगर एन इवेन नंबर होगा तो मीडियन निकालने के लिए आपको एन बाई टू नंबर का ऑब्जर्वेशन प्लस एन बाई टू, ध्यान देना है यहां एन के साथ में है प्लस वन, और यहां एन बाई टू पहले है बाद में है प्लस वन, दोनों में बारीक सी अंतर समझिए। ये एन प्लस वन है लेकिन ये एन बाई टू प्लस वन है, तो तब ये मीडियन निकलेगा, बशर्ते उसमें जैसे आपने असेंडिंग ऑर्डर की बात कर रखा है इसमें भी आपको वही बात करना होगा, असेंडिंग ऑर्डर सेट कर लेना होगा पहले, तब जाके कहीं निकलेगा। तो इस हिसाब से अगर हम लोग मीडियन के लिए एक एग्जांपल देखते, जैसे जीरो वन टू फाइव थ्री फोर, एक दो तीन चार पाँच छः, हाँ ठीक है इवेन नंबर हो गया, चलो दो और लिख ही लेते हैं, सेवन, और फिर यहाँ पे कुछ पीछे चले जाते हैं, फिर से मान लो कि फोर, ऐसा कर लिए। तो ये जो है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, देखिए अब यहाँ पे एन के जगह कितना है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एन के जगह पर एट है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है एट है। अब भाई असेंडिंग ऑर्डर में तो सेट करना ही पड़ेगा, तो हम लोग इसे असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर लेते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में सेट करने का मतलब है कि सबसे छोटा है जीरो, फिर वन, फिर टू, फिर थ्री, फोर फोर, फाइव और सेवन। तो ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर, जीरो वन टू थ्री फोर फोर, और यहां फिर फाइव और सेवन। अब जैसा कि हम लोगों ने जान रखा है
कि मीडियन के लिए जो फार्मूला है उस फार्मूला पर सेट कर दो। एन बाई टू यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 8/2। एन बाई टू का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कौन सा लेना है, 8/2 नंबर का ऑब्जर्वेशन लेना है, प्लस एन बाई टू प्लस वन यानी कि एन बाई 8/2 प्लस वन नंबर का ऑब्जर्वेशन लेना है। तो ये कट करके 8 4 times, ये 8 कट करके 4 times, और तब नीचे में क्या रखना है, 2। तो फोर्थ नंबर का ऑब्जर्वेशन कौन है, 1 2 3 4। इसको देखेंगे कि इसको देखेंगे नीचे वाला को, 1 2 3 4 नंबर पे कौन है, तो 4 नंबर पे 3 है, और 5 नंबर पे चूंकि 4 और 1 क्या होगा, तो 3 और 4। तो फोर्थ नंबर का ऑब्जर्वेशन है 3, और 4 और 1 5, 5 नंबर का ऑब्जर्वेशन कौन है, 4। जगह की कमी है, नहीं तो फिर कहेंगे आप कि भाई यहाँ 4 था तो आपने 3 लिख दिया, और 4 और 1 5 होता है तो 4 लिख दिए, क्या 1 1 माइनस करना रहता है क्या, ऐसा नहीं ध्यान रखेंगे। फोर्थ नंबर का ऑब्जर्वेशन, तो फोर्थ नंबर का ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4, कौन है फोर्थ नंबर में, 3, और 5 नंबर का ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5, 5 नंबर का ऑब्जर्वेशन में कौन है, 4/2, तो 7/2 यानी कि कौन सा हो जाएगा भाई, तो ये मीडियन 3.5 आ जाएगी। मीडियन कौन सी हो जाएगी, 3.5। 3.5 का मतलब कौन सा हो गया जी, अब ये जो है कि इसका जो है हम लोगों को वर्क कर लेना था, ये ध्यान देना है, इसमें ऑब्जर्वेशन को ढूंढ करके लिखना था, इसमें ऑलरेडी ऑब्जर्वेशन बाई टू किया हुआ है, बात समझ में आ रही है, इसका ख्याल करना है। क्या वर्क करना है इसे थोड़ा नीचे लिख देते हैं, मीडियन हम लोग को निकालना है, लेकिन चूंकि अब हम लोगों को मीडियन यहां जिस तरीके से पढ़ना है वो ग्रुप डाटा का, अभी तक जो भी पढ़ रहे थे हम लोग वो सब किसके थे, ये सभी जो है कि अनग्रुप्ड डाटा के लिए पढ़ रहे थे, अब हम लोगों को पढ़ना क्या है, तो ग्रुप्ड डाटा के लिए पढ़ना है। अब ये ग्रुप्ड डाटा के लिए कैसे होगा इसको हम लोग देखा जाए। हाँ जी, डिसेंडिंग में भी कर सकते हैं, डिसेंडिंग समझते हैं, तो आप थोड़ा सा टाइम पर आइएगा तो इन सब चीज़ों का दिक्कत नहीं होता, हम ये दोनों बात बोले थे है ना, तो थोड़ा टाइम पर आना है, तो एक एसेंडिंग और दूसरा डिसेंडिंग ऑर्डर, दोनों भी बातें जो है कि होगी। तो अनग्रुप्ड डाटा के बाद में अब हम लोग आ जाते हैं अगले स्टेप में, ग्रुप्ड डाटा में, इसे हटा दिया जाए, अब हम लोग इसी मीडियन को पढ़ेंगे ग्रुप्ड डाटा में। तो ये जो है अनग्रुप डाटा के बाद में ग्रुप्ड डाटा के लिए पढ़ेंगे मीडियन, और इसके लिए जैसा कि आपको कल बताया गया था कि मोड के लिए दो चीजों का होना जरूरी है, एक क्या, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, यहां पे तीन चीजों का होना जरूरी है, क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो देखो यहां पर ग्रुप्ड डाटा में क्या है, हम लोगों को तीन चीजों की होनी जरूरी है, हाँ जी, अरे थोड़ा सा देखो मीडियन में क्या है, यहां पे सबसे पहले क्लास इंटरवल,
तो क्लास इंटरवल का होना जरूरी है, उसके बाद दूसरा जो है क्लास इंटरवल के बाद में फ्रीक्वेंसी का होना जरूरी है, फिर उसके बाद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का होना जरूरी है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी एक नया वर्ड आया। तो ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आप लोगों ने ये भी नाइन्थ क्लास में पढ़ा होगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। शुद्ध हिंदी में इसे कहते हैं संचयी बारंबारता। संचय मेन वर्ड है, संचय जमा करना। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक बात जानना है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पिछले वाले फ्रीक्वेंसी को हमेशा ऐड करते चले जाना, ये क्या कहलाएगा? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी आपको, क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कभी कभी कुछ क्वेश्चन में ये दोनों ही दिया रहेंगे, इसे आपको निकालना पड़ेगा। और अक्सर हाँ ऐसा ही होता है कि ये दोनों दिए हुए रहते हैं, इसे आपको निकालना पड़ता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि ये दोनों ही दिया रहेगा और ये निकालना पड़ता है, तो इसके लिए बैक जाना पड़ता है, मतलब माइनस करना पड़ता है। तो याद रखें, रेयर ही ऐसा होगा कि मीडियन के सवाल में, जिसे शुद्ध हिंदी में माध्यिका यानी कि बीच का अंक निकालना कहते हैं, तो ये मीडियन के लिए तीनों में से कोई दो ही टर्म आपको पता रहेगा, तीसरा हर हाल में आपको अपने काम से, अपने मेहनत से निकालना है। कभी कभी अगर लॉटरी लग गई तो तीनों का तीनों दे देता है, ऐसे निकालने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, हम लोगों को मीडियन वाले एक्सरसाइज आपके एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज 14.3 है, 14. तो एक्सरसाइज हम लोग 14.3 को देखते हैं, ठीक है। अब मीडियन के लिए फार्मूला के लिए तीन चीजों की जरूरत है, क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इन तीनों की जरूरत है। अब एक्सरसाइज 14.3 में टोटल कितने क्वेश्चन है, बुक की जरा एक दीजिएगा। हाँ, आपका बुक यहीं पर रख दिया गया था। तो टोटल नंबर छोड़ दो, बीच में जरूरत हम दे देंगे। तो यहाँ पे है 1, 2, 3, 4 इधर है, मतलब 7 क्वेश्चन है। तो 7 क्वेश्चन में से एक हम आप लोगों को नॉर्मली देख लेते हैं, 1 नंबर, नहीं नहीं 1 नहीं देखते हैं, सीधे 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा उसमें ट्विस्ट है, इसलिए 4 नंबर ही देखते हैं। और तब जा करके 2 नंबर थोड़ा अलग है, उसे देखेंगे। 4 नंबर ही चुनने का रीज़न आपको बताते हैं, क्योंकि ये क्लास इंटरवल थोड़ा सा अलग टाइप का आपको मिलने जा रहा है। देखें, तो अभी तक हम लोग क्लास इंटरवल आप लोगों को बोलते आ रहे थे कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस, ऐसा करके कुछ बोल रहे थे। अब यहाँ पे आप देखें कि ये क्वेश्चन में क्या हुआ है कि ये जो है क्वेश्चन नंबर 4, ये डिसकंटिन्यूअस कंडीशन में है, तो इसे पहले तो बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्लास इंटरवल अब तक जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो इस कंडीशन में है, रिंगटोन भी बताती है कि लड़के का नेचर कैसा है, है ना। चलो उसको बंद करो जल्दी से। ₹144, ₹155, ₹153, ₹154, ₹162, ₹163, ₹171, ₹172 से ₹180 तक, ये इतना हो गया। कौन ऐसा कर रहा था कि फ्रीक्वेंसी के पहले हम लोग बीच में एक गैप दिए हैं, उस गैप में देखो यहाँ क्या है कि नंबर ऑफ लीव कितना है, तो यहाँ लिखा हुआ है 3, 5, 9, 12, 5, 4 और ये है 2। तो ये जो है कि क्लास इंटरवल है और ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है,
अब हम लोगों को इस क्वेश्चन को लेने के पीछे लॉजिक क्या रही, ये थोड़ा समझिए। ये क्वेश्चन में क्लास इंटरवल जो है वो हम लोगों को कंटिन्यूअस कंडीशन में नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है मतलब समझिए, 118 से शुरू हुआ 126, और ये 126 ये जो है 127 से शुरुआत हो जा रहा है, तो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। और हम लोगों को कनेक्टेड करना बड़ा जरूरी है। कनेक्टेड करने के लिए ये जरूरी है कि इधर वाले में से 0.5 को माइनस कर दें, और जो माइनस किए वो इधर वाले में क्या कर दें, बढ़ा दें। बंद करो, कोई 2-4 करोड़ का नुकसान नहीं होगा, बंद करो उसको। अब तुमको यहां बैठे थे रहे, वहां ना बैठे थे, वहां जाकर बैठो, इधर हेलो, इधर। तो क्या है कि यहां पे हम लोगों को कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल जो है कि वो हम लोगों को बनाना पड़ेगा। तो कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल कैसे बनेगा, तो ये 118 है, इसमें से 50 पैसे को कम कर दो, यानी कि 117.5 ये हो गया, और इधर में क्या है 126.5, जो आपने इधर माइनस किया ना उसको उधर में क्या कर दो, प्लस कर दो। फिर लो दो हम बात करते हैं, दो ना हम बात करते हैं, कैसे कैसे ले लेते हैं तुम लोगों का एडमिशन, उनसे भी हमको थोड़ा बात करना पड़ेगा बढ़िया से। 126.5 यहां पे 135 है, 135.5। फिर ये जो 136 है, ये 136 में से भी 0.5 को क्या करना है, माइनस कर लेना है, और जो आए उसको इधर बढ़ा देना है। यानी कि इधर से 0.5 को कम करते जाना है, और जो जो 0.5 को कम हुआ वो उधर बढ़ाते जाना है, सिर्फ इतना ही काम करना है। यहां पे 136 है, 0.5 को माइनस कर दिए 135.5, उधर बढ़ा दिए 144.5। 145 जो है ये 144.5 हो जाएगा, और वो जो 0.5 इधर से हटा वो उधर चला जाएगा 153.5। इसका भी वैसा ही हो जाएगा 153.5, और यहां हो जाएगा 162.5। यहां पे 162.5, और यहां पर 171.5, और फिर ये हो जाएगा 171.5, और यहां हो जाएगा 180.5। अब थोड़ा सा सीध ले लेते हैं सभी का, ये ऐसे था, इसके लिए थोड़ा सा 9 को नीचे कर लेंगे, कोई बात नहीं है। ये थोड़ा सा इसको 144 वाला को, अच्छा, ठीक है ले लेते हैं, एक मिनट रुक जाओ, इसको भी हम हटा दिए। यहाँ था पहले 144, 144.5 से 153.5 था, ऐसा था, ये वाला हो गया। उसके बाद में यहाँ पे 153 है, थोड़ा सा इसको और सीध कर लेते हैं बाबू, ये पूरा का पूरा यहाँ से हटा देते हैं, 153.5, 162.5 और 162.5, 171.5, और यहाँ लास्ट में हो गया 171.5, 180.5। अब सीधा में आ गया, देखो यहाँ क्या किया गया कि ये जो क्लास इंटरवल था उसे कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल में पहले बदलने की मजबूरी थी, तो हम लोगों ने पहले उसे बदल दिया। इसके बाद ये जो फ्रीक्वेंसी है ये तो क्वेश्चन का पार्ट है, जैसा कि हम लोगों को मालूम है कि इसके अलावा एक चीज और जो है हम लोगों को लेना पड़ेगा, वो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ले दे करके अभी हम लोगों को ये समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन अपने मैच्योर कंडीशन में पहले खुद ही नहीं था, उसे तो मैच्योर कंडीशन में लाना पड़ रहा है, कहीं कुछ कमी अगर रह जा रही है। तो यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को। ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भला क्या चीज़ है,
फार्मूला को कैसे अरेंज करना है आप ये जान रहे होंगे कि सर पहले तो आपने फार्मूला लिखा ही नहीं, फिर आप बना पहले रहे हैं। दरअसल क्वेश्चन से हम फार्मूला को भी जानने की कोशिश करेंगे, जैसे कल किए थे हम लोग, कोई एक क्वेश्चन को बना रहे थे और लगे हाथ फार्मूला को भी जान रहे थे, ठीक है। तो उसी वक्त हम लोग इसको देखेंगे एक क्वेश्चन के जानकारी से। तो थ्री के जगह पर शुरू में पहले थ्री लिख दिए, अब इस थ्री में इस फाइव को प्लस करते चले जाओ, तो थ्री में फाइव को प्लस कर दिए तो कितना हो गया एट, एट में इस नाइन को प्लस कर दिए तो सेवनटीन, सेवनटीन में इस ट्वेल्व को प्लस कर दिए ट्वेंटी नाइन, ट्वेंटी नाइन में इस फाइव को प्लस कर दिए थर्टी फोर, थर्टी फोर और ये थर्टी एट और ये लास्ट फोर्टी, इस तरह का हो गया। अब इसका नेट जो होगा टोटल वो भी 40 होगा। ये हमेशा याद रखना है कि अगर आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सही निकाला है तो इसका मतलब इसके लास्ट का जो डिजिट है और इसका जो नेट है वो दोनों का दोनों एकदम सेम आना चाहिए, ये तय है, यानी कि ये वाला दोनों चीज बिल्कुल सेम आनी चाहिए, तभी जाकर के पता चलेगा कि आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सही है। तो ये हो गया पूरा तीनों चीज। हमने कहा था कि मीडियन के लिए क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इसका होना जरूरी है। क्लास इंटरवल था तो जरूर, लेकिन वो कंटिन्यूअस कंडीशन में नहीं था तो उसे कंटिन्यूअस कंडीशन में बदलना पड़ा। उसके बाद फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, लेकिन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं दिया हुआ था। तो हम लोगों ने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फिर समझ लो कैसे निकाले हैं, सिंपल सी बात है, ये शुरू वाला तो एज इट इज रह गया, बाकी सब नीचे वाले प्लस होते चले गए, थ्री और फाइव एट, एट और नाइन सेवनटीन, सेवनटीन और ट्वेल्व ट्वेंटी नाइन, ट्वेंटी नाइन और फाइव थर्टी फोर, थर्टी फोर और फोर थर्टी एट, थर्टी एट और टू फोर्टी। तो ये जो है कि एन कितना हो गया 40। यहां तक समझ में आ गई। अब थोड़ा हम इसे कंप्रेस करेंगे, छोटा करेंगे और फिर यहां पे फार्मूला को साथ में लिखते हुए जाएंगे, ठीक है। यहां तक लिख लिया आप लोग क्या? ओके। तो इसे थोड़ा और कंप्रेस करेंगे, अब तो उसकी जरूरत नहीं है, इतना काफी है। चलिए यहां पे पहुंच गए। अब हम लोग देखते हैं कि क्या था फार्मूला और कैसे कैसे उसे बनाया जाता है। मीडियन के लिए फार्मूला होता है एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच, ये फार्मूला है मीडियन के लिए। फार्मूला एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच, ठीक है। अब ये जो मीडियन के लिए फार्मूला है, इस फार्मूले में कौन क्या क्या है इसे थोड़ा सा समझने में हेल्प करेगा कल का जो मॉडल क्लास आप देखे थे उसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम लोगों को मीडियन क्लास को ढूंढना है, उसमें मॉडल क्लास को ढूंढने थे, जाहिर सी बात है इसमें सबसे पहले किसको ढूंढना है, मीडियन क्लास को। ये मीडियन क्लास यूं तो स्टूडेंट ऐसे ढूंढ लेते हैं कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है उसी के क्लास इंटरवल को वो लिख लेते हैं। अमूमन ये काम मोड के लिए किया जाता है जो आप कल पढ़े थे, इसमें भी वो काम कर जाता है लेकिन कभी कभी गड़बड़ी हो जा सकती है। सही रूल मीडियन में, मीडियन क्लास को ढूंढने का ऐसे है कि आप इस एन नेट को टोटल को हाफ करें, तो 40 का हाफ कितना हो जाएगा, 40 का हाफ हो जाएगा 20, और 20 इसमें से किसके रेंज में आ रहा है उसको देखिए, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। इसमें 20 नहीं आ रहा है, इसमें भी 20 नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है, क्योंकि ये 17 के बाद से 18 को लेकर के 29 तक का एरिया किसके जिम्मे में आएगा, इसके जिम्मे में आएगा। बात मेरी समझ में आ रही है? क्या मैंने किया, नेट को कर दो आधा, नेट है 40, 40 का हाफ कितना हो गया 20, और उस 20 को ढूंढो कि वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहां पे है, क्या इसमें है, क्या इसमें है, क्या इसमें है, यहां तो 17 तक है,
जाहिर सी बात है कि 17 के बाद से 29 का एरिया कौन कवर करेगा, ये। तो यहां पर इसमें 20 छिपा हुआ है, तो उसी का क्लास इंटरवल ये वाला। अब तो इसको बिल्कुल नहीं देखना है, इसका कोई रोल नहीं है अब कहीं, ये बन चुका तो अब इसको देखेंगे, इसको तो बिल्कुल नहीं देखेंगे। क्या है ये 144.5, तो मीडियन क्लास क्या हो गया 144.5 से लेकर के 153.5, ये मीडियन क्लास हो गया। यहां तक बात समझ में आई? जैसा कि हम लोग कल भी पढ़ चुके हैं एल के बारे में कि वो एल क्या होता है, तो लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। ये इतना डिटेल वहां उस वक्त लिखने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए हम ऐसा करें। तो लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, जाहिर सी बात है यहां लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास क्या है, ये एल है और ये क्या है, ओ है, यानी कि अपर डिवीजन क्लास है। तो ये जो है कि ये 144.5 एल हो गया। एल के बाद बारी अब किसकी है, एन बाई टू। वो तो काम अभी आप कर चुके थे, जो एन बाई टू है टोटल फ्रीक्वेंसी का हाफ। एन बाई टू क्या होगा, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, ऐसा लिख देना है। टोटल फ्रीक्वेंसी थोड़ा ठीक नहीं रहेगा, यहां पे ये बोला जाए सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी बाई टू। तो टोटल कितना आया था एन का वैल्यू 40, और 40 का हाफ कितना हो गया 20, ये हो गया एन बाई टू। सी एफ, तो सी एफ यानी कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किसका ढूंढना है, ये थोड़ा सा सावधानी से समझ लो। हम लोगों को लिखना ही है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जरूर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ही लिखना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, लेकिन किसका, प्रिसीडिंग द क्लास मीडियन क्लास। यानी कि हम लोग को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ही लिखना है, लेकिन किसका लिखना है, जो मीडियन क्लास आया है ना उसके जस्ट ऊपर वाले का, उसके जस्ट। तो हम लोग को मीडियन क्लास कौन आया था, ये वाला आया था। इसके जस्ट ऊपर वाला का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है 17, तो हम लोग यहां पे कितना ले लेंगे, इसको 17 ले लेंगे। सी एफ समझ में आया कि क्या हुआ, कैसे ढूंढना गया, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ही लेना है ऑफ द क्लास, किसका, तो प्रेजेंटिंग द मीडियन क्लास। तो ये जो है इसके पहले वाले, जो भी हमने मीडियन क्लास को ढूंढा है उसके ऊपर वाला का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। सी एफ भी ढूंढा गया, अब किसकी बारी है, एफ की बारी है। एफ क्या होगा, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ, तो ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। तो वो कौन सा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास 12। तो यहां पे क्या हो गया, ये 12 हो गया। अब लास्ट चीज एच, ये एच जो है ये रेंज हम लोग जिसको बोलते हैं, एक्चुअल में ये है साइज ऑफ क्लास, साइज ऑफ क्लास, सारे का साइज ऑफ क्लास। अब ये जो साइज ऑफ क्लास है ना, इसको अगर जब आप देखोगे तो आपको रियल में नजर आएगा कि कितनी बड़ी गलती हो सकती थी अगर मैं इस क्लास इंटरवल को नहीं सुधारा होता। तो देखिए कैसे, अगर आप इससे साइज पता करते, जरा मैं पता करता हूं 126118, जरा देखिए तो क्या क्लास साइज आ रहा है यहां पे 16 माइनस 8 का। अभी क्लास साइज क्या दिख रहा है, लेकिन जरा सा चेंज होने के बाद देखिए तो 126.5 में 117.5 को माइनस कर दो, 0, 16 माइनस 7 9। अब क्लास का साइज क्या दिखा, फर्क आया। अगर हम लोग यही लेके चले रहते तो जाहिर सी बात है आंसर नहीं मिलता, मैच नहीं करता।
तो यहां पे क्लास की साइज क्या आई? 9। तो हम लोग साइज ऑफ क्लास क्या लिखेंगे? 9 लिखेंगे, न कि 8, क्योंकि इससे कोई रोल नहीं रहा अब, जैसे ही उसको हम लोग बदल दिए थे कंटिन्यूअस क्लास में। तो सारे के सारे फार्मूले को मैं फिर दोबारा बता रहा हूं, एक बार देख लें, क्योंकि एक क्वेश्चन कहानी खत्म, सारे के सारे उससे बन जाते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके बुक का है, जिसमें एक्स वाई को पता करने वाला है, वो थोड़ा सा उसको एक अलग तरीका का है, उसको देख लिया जाएगा। मीडियन का फार्मूला L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच होता है। इसमें सबसे पहले ढूंढना पड़ा मीडियन क्लास। कैसे ढूंढे जाते हैं मीडियन क्लास? नेट का कर लीजिए हाफ, तो नेट 40 था, 40 का हाफ 20, 20 इस कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में कहाँ पे आ रहा है, किसके अंदर में आ रहा है? ये 29 के अंदर में आ रहा है। तो उसके सामने का क्लास इंटरवेल 144.5 153.5, ये क्लास इंटरवेल हो गया। अब एल लिखना था, तो इसी में से लोअर लिमिट को लेना था, तो इसका लोअर लिमिट कितना हो गया? 144.5। एल का रोल खत्म। आगे है एन बाई टू, ये भी बड़ी आसान था, क्योंकि नेट हमें मालूम है टोटल कितना है 40। इसी नेट को पिछले वाले मोड में या उसके पहले मीन में किस नाम से जानते थे? सिग्मा एफ आई के नाम से जानते थे। यहां आते आते उसका नाम क्या पड़ गया? एन, नेट। तो नेट का हाफ आपने किया, जो कि सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज होता है, तो 40 का हाफ कितना आ गया? 20। सी एफ को कैट से ढूंढा गया, तो सी एफ को ढूंढने का तरीका है कि जो भी आपने क्लास इंटरवेल को लिया था, मीडियन क्लास को, उसके ठीक ऊपर वाला का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कितना हो गया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी? 17। अब एफ कैसे ढूंढा गया था? तो जिस मीडियन क्लास को आप लिए हैं उसी का फ्रीक्वेंसी, उसकी फ्रीक्वेंसी कितना है? 12। एच क्या है? साइज ऑफ क्लास। तो साइज ऑफ क्लास कभी भी इससे ढूंढ करके नहीं लेना, यानी कि एक तरह से समझ लो इसकी ड्यूटी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। जो भी वर्क है अब सब इसी से करना है, उससे जरा सा भी काम नहीं लेना, उसका शुरू में जो काम होना था। तो साइज ऑफ क्लास कितना हो गया? 9। इतना जब सारा कुछ हो गया तो सिर्फ एक काम बचता है, वो क्या है कि फार्मूला पे सेट कर दो, आपका आंसर आपके सामने में है। जो दिक्कत, जो परेशानी, जो सावधानी रखनी है वो सिर्फ इन सारे टर्म्स को पता लगाने में। एक बार सही सही टर्म पता चल गया फिर आराम से, जैसे देखो फार्मूला में एल लिखा हुआ है, एल की वैल्यू कितनी है जी? 144.5। एन बाई टू, एन बाई टू कितना आया है? 20। सी एफ, सी एफ की वैल्यू कितनी है? 17। फिर एफ, एफ फ्रीक्वेंसी कितना है? 12। और एच रेंज कितना है? रेंज है 9 का। तो 144.5, 20 माइनस 17 3, और 3 इंटू 9 इधर है और इधर है 12, अगर कुछ कटता है तो काट देते हैं, 3 4 जा 12, और 4 से ये 9 कटेगा, 144.5, और 4 से 9 को अगर डिवाइड कर दो तो 4 2 जा कितना हो गया? 8, 1 बच गया। 1 को अगर डिवाइड कर दोगे तो 1 2 जा 4 2 जा 8, 2 बच गया 2.25, और इसको अगर प्लस करेंगे तो आएगा 146.75। ये हो जाएगा आंसर, 146.75 इसका आंसर। तो इन सब चीजों में कुछ नहीं रहा, जो रहा वो केवल किस में रहा कि वो मीडियन के फार्मूले को खोजना, और उस मीडियन के फार्मूले को खोजने के बाद में तब जा करके उसको बनाना। तो मेन इस पे फोकस करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि आपके बुक में टोटल 7 क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक में, तो उस 7ों क्वेश्चन को इस कॉन्फिडेंस से नहीं कि भाई मैंने एक क्वेश्चन को बड़ी आराम से बड़ी सावधानी से देख रखा है, जान गए हैं, ये कभी कभी कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है, और अक्सर पता चलता है कि ओवर कॉन्फिडेंस वाले लोगों को नुकसान होती है। तो आप क्या करना है,
कि घर में आज संडे का दिन है, बारिश जैसे मौसम अगर हैं, बाहर निकल के करना क्या है, तो व्यस्त रहिए पढ़ने में, बनाने में,